उसकी स्मेल के लिए होता है ना वो, मत नॉर्मली आप इस पैसे धोगे तो भी ये हो जाए। मम्मी को या बहन को नहीं दे सकते हो, क्यों? क्योंकि वो आपका है। अगर आप इसे शेयर करोगे आपसे इन्फेक्शन आपकी मम्मी को जा सकता है, मम्मी से बहन को जा सकता है। डेढ़ साल कपड़े आप कितने टाइम तक यूज करते हो? जब आप कोई भी कपड़ा लेते हो आप अगर उसे डेली आपकी हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि आप वो प्लास्टिक वाला गंदा प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हो, आप एक अच्छा कंफर्टेबल प्रोडक्ट। कम से कम आप मैंने बोला 1 मिलियन पैड यूज होते हैं, अगर आप में से सब लोग भी ये पैड यूज करने लगे तो सोचो कितना कम हो जाएगा एनवायरमेंट पे नुकसान। ओके सबको समझाइए यूज कैसे करना है। करोगे यूज या घर पे रखते रहोगे? एक लास्ट चीज बोलते हैं इसको, ये सुना होगा आपने पे। तो पैड के अलावा आपके मार्केट में काफी सारी चीजें हैं जो आप और यूज कर सकते हो। ये तो मैंने आपको क्लॉथ पैड बताया जो हम आपको आज देने वाले हैं। उसके अलावा आप मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हो। ये कप को आप बहुत इजीली, ये आपका वजाइना है, आप कप को ऐसे फोल्ड करोगे, इसके अंदर डालोगे, ये अंदर जाके से खुल जाएगा और जो भी ब्लड आ रहा है वो इसमें कलेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें आपको बार बार पैड चेंज करने की जरूरत है नहीं, ये आपके बॉडी के अंदर रहेगा। जब भी आपको निकालना हो, अभी नीचे दिख रहा है, इसको आप ऐसे इजीली आराम से पकड़ के निकालोगे निकल जाएगा। आपको इसको फेंकना है, इसको गर्म पानी में साफ करना है और फिर वापस इसको यूज करना है। डर लगा सुन के? देखो ये सारे प्रोडक्ट्स जो है बेटा आप ये बिना सुपरविजन के नहीं यूज कर सकते, मतलब ये सब यूज करने से पहले अपने बड़ों को, डॉक्टर को या मम्मा को पूछना बहुत जरूरी है। ओके कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि मार्केट से जाते हो कि कब खरीद लिया और कर लिया। ओके ये मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे आप घर जाकर रिसर्च कर सकते हो, आप डालोगे ना आपको बहुत सारे अदर ऑप्शंस मिलेंगे। मैं चाहती हूँ आप लोग जाओ घर पे पढ़ो उस बारे में और अपनी इन्फॉर्मेशन को और अच्छा करो। ओके अभी हम आपको और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लगभग 1000 बच्चियों तक पहुंचने वाले हैं।
ये जो सेशंस हैं ये हम अलग अलग लोकेशन पे कर रहे हैं। आज हम मीरा रोड में कर रहे हैं, कल हम कल्याण में करेंगे, अक्सर विराट में करेंगे, अलग अलग जहाँ जहाँ पर संडे का प्रोजेक्ट है वहाँ हम वो सारे लोकेशन पे ऐसे स्कूल्स और ऐसे जो कम्युनिटी एरियाज हैं जहाँ पर महिलाओं को पीरियड्स के बारे में पता होना चाहिए, उसके बारे में जागरूक करने का काम मेकिंग द डिफरेंस कर रही है। और साथ ही साथ हम महिलाओं और बच्चियों को ऐसे रियूजेबल पैड्स दे रहे हैं, बांट रहे हैं, जिससे वो महिलाएं अपने प्लेट्स के दौरान इसको यूज़ कर सके और एनवायरनमेंट पे जो होने वाला हार्म है, जो डिस्पोजेबल पैड से होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कम करने के लिए, एक पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हम उसी माध्यम से उनको एक पैड्स दे रहे हैं जो एक साल चलने वाला है, और इसको यूटिलाइजेशन से बहुत बड़ा जो कचरा है उसको हम कर सकते हैं। राइट, सनटेक किस तरह से मेकिंग द डिफरेंस के साथ मिल करके काम करना चाह रहा है प्रोजेक्ट लज्जा के ऊपर? तो मैं थोड़ा सनटेक के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। तो सनटेक रियलिटी एक लग्जरियस डेवलपर है एंड हमारे बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है वेस्टर्न सबर्ब्स में, हमारे प्रोजेक्ट नायगांव में है, गोरेगांव में है, कल्याण में हमने स्टार्ट किया है, मीरा रोड में हमने अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया। तो एज अ रियल एस्टेट डेवलपर एंड एज अ कम्युनिटी आउटरीच के लिए एंड एज अ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अप्रोच किया मेकिंग द डिफरेंस टीम से एंड वी रियली लाइक द प्रोजेक्ट लज्जा, जो एक्चुअली अवेयरनेस प्रोग्राम करता है अबाउट द हाइजीन एंड जो अभी जैसे सनटेक रियलिटी का CSR विजन है कि वी हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स वी आर एक्चुअली हम टारगेट कर रहे हैं, जैसे एनवायरमेंट है, जैसे कम्युनिटी आउटरीच में हेल्थ एंड हाइजीन फॉर वुमेंस है। तो हम मैं एक्चुअली एनवायरमेंट, सोशल गवर्नेंस और CSR प्रोजेक्ट देखता हूँ सनटेक में। तो ये जो लज्जा का आइडिया है वो सनटेक को बहुत अच्छा लगा एंड विद दैट एक्चुअली वी आर हम कम्युनिटी को आउटरीच कर रहे हैं, वी आर डूइंग दैट अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द स्पेशली फॉर द स्कूल गर्ल्स एंड उसमें हम ये जो क्लॉथ दे रहे हैं दैट विल बी रियली यूजफुल फॉर देम फ्रॉम द हाइजीन पर्सपेक्टिव। ग्रेट, सनटेक बहुत अच्छा, मतलब सनटेक आपके साथ आकर के प्रोजेक्ट लज्जा पे काम करना चाहते हैं, समाज के लिए काम करना चाहते हैं, खास करके महिलाओं, बच्चियों और बच्चियों को अवेयरनेस होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोजेक्ट लज्जा, क्रिएट क्या है, हाइजीन क्या है, ये सारी चीज के पे क्या कहेंगे इनके बारे में? सर, मैं आपके माध्यम से सनटेक धन्यवाद करता हूँ, ऐसे सेंसिटिव मुद्दों को लेकर आपने इस प्रोजेक्ट में अपनी दिलचस्पी दिखाई और आपने इसको CSR के माध्यम से इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मदद कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कि पर्यावरण को लेके इनकी रुचि इतनी अच्छी है कि वो उन्होंने RRR का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उस पर भी उन्होंने काम किया है, उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज़ को मिला के उन्होंने बहुत सारे कपड़े कलेक्ट किए हैं हमने और वो कलेक्शन हमारे पास है और कुछ ही दिनों में हम मीरा भाईनगर में जो गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरतमंद है उन लोगों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू सो मच।